अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबका ठीक है? तो यार आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैंने आपको बताया था कि मादी मटकी चूज़ किए बगैर ही अंडों पे कैसे आ सकती है। ठीक है, ये जो सामने वाइट कलर की बैठी हुई है ये अंडों पे आई हुई है, देखें फुल यानी कि तैयार है अंडे के, लेकिन अभी तक इसने कोई मटकी चूज़ नहीं की है। तो वो रीज़न क्या है, क्यों इसने चूज़ की है? अक्सर हमने ना, मैं बताता हूँ कि हमने सेट पर रखा था कहीं और पे, वहाँ पे कोई जब गर्मियों का मौसम आ जाता है या सर्दियों का अचानक से मौसम आता है, गर्मियों से सर्दियों का आता है या सर्दियों से गर्मियों का, ये देखें ये फुल तैयार है अंडों में आई हुई है, लेकिन इसने अभी तक कोई मटकी चूज़ नहीं की है। कर लेगी चूज जब इस, यानी कि अंडा देने पे आ जाएगा ना, यानी कि जब इसने देना होगा तो ये किसी भी मटकी में बैठ जाएगी, तो उसके बाद ये वो वाली जो है ना मटकी चूज़ कर लेगी। तो होता ही है कि जब गर्मियों का सीज़न आता है हम थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं, ठीक है। तो मादी की मैटिंग हुई होती है तो उसने मटकी चूज़ भी की होती है, लेकिन हम जब सेटिंग चेंज कर देते हैं वो मटकी भूल जाती है, तो वो फिर नई मटकी की तलाश में होती है। ये जो वाइट की नर है ना, वो ये वाला इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो वो उसने चूज़ की है, इसमें कोई इतना यानी कि ना मसला नहीं होता है, ठीक है। तो अब इसने यानी कि ना अंडों पे आई थी, मुझे नहीं था पता कि इसकी मैटिंग हो चुकी है, मैंने सेटिंग चेंज की थी। मैंने पहले ना, मैं आपको एक कैच दिखाता हूँ, पहले ये कैच है, इसमें पहले मैंने सब रखे हुए थे और मैंने नीचे रखा हुआ था, तो घर में पेंट वगैरह करवाना शुरू किया तो मैंने ये फिर ऊपर आके ना ये वाला जो कैच है ये मैंने बनवाया, खुद तैयार किया, तो फिर मैंने इसमें ला के छोड़ दिया। इसने यानी कि नीचे ये जो रेड है इसका बैठा हुआ पेड़, इसने नीचे एक अंडा ज़ाया कर दिया था, यानी कि मुझे पता नहीं था इसने अंडा दिया हुआ, ये इस कैच में था, तो इसने अंडा दिया हुआ तो फिर वो ज़ाया हो गया। जब मैंने निकालने के बाद, मैंने 6 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद मैंने वो मटकी उतारी इसमें से, तो मैंने देखा भी इसमें अंडा भरा हुआ। अभी ये इधर बैठी हुई है अंडा, इसने दोबारा से अंडे दे दिए हैं। तो मैं आपको एक दिखाता हूँ कि ये क्यों, अब इसमें ये होगा मसला कुछ भी नहीं ज़्यादा, इसमें ये होगा कि जब इसको यानी कि इसने अंडा देना होगा, तो अब इसका मेन रीज़न यही है कि ये क्या, जब इसने अंडा देना होगा ना, तो ये जब इसको यानी कि अंडा आ जाएगा, ये किसी भी मटकी में बैठेगी अंडा दे देगी और ये वो वाली मटकी चूज़ कर लेगी। तो ये कोई इतना मसला नहीं है, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि अंडा बाहर दे देगी, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, कोई मादियाँ होती है मटकी नहीं उनको पसंद आ रही होती, वो फिर बाहर या ये दाने वाली जो होती है उसमें दे देती है अंडा या नीचे दे देती है जमीन पर, तो वो बिगाड़ जाता है। अब आपको मैं एक और अपना पेड़ दिखाता हूँ, ये मेरी मादी है, ये देखें ये भी मटकी चूज़ कर रही है, इसका भी जोड़ा लगा हुआ है इसके ऊपर, ये देखें ये क्रस्टेड का मेल है, इसके साथ इसका लगा हुआ है जोड़ा, ठीक है। एक साथ में ये मैंने मेल ला के छोड़ा था जो इसके साथ ही बैठा हुआ, इन दोनों ने एक एक ही मादी के साथ पेड़ लगा लिया हुआ है, ये वाले जोड़े में दोनों पर नर बैठे हुए नीचे मादी, दोनों का एक के साथ ही लगा हुआ है, ये देखें ये दोनों इसके पीछे पीछे रहेंगे, जहाँ पर मादी जाएगी ना, ये देखें मादी भी अंडों पर ही है। अब ये नहीं पता कि किसने इसके साथ मैटिंग की है, ग्रीन ने की है या कस्टर्ड वाले ने की है, दोनों ने इसके साथ जोड़ा लगाया हुआ, ठीक है। उसके बाद ये मेरा जोड़ा है, इसने भी अंडे दया कर दिए, लेकिन अभी तक इनकी मैटिंग नहीं हुई है, लेकिन ये जोड़ा लगा हुआ है, ब्लर बहुत हो रहा है, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसने भी कोई मटकी चूज़ नहीं की हुई थी, लेकिन मैंने इसमें फ़िशर भी छोड़ा हुआ था, फ़िशर किसी को मटकी चूज़ नहीं करने दे रहा था, मैंने फ़िशर को बाहर निकाला, तो उसने ना फ़ौरन ही वो वाली मटकी में अंडे दे दिए, ठीक है। तो अब इसने भी अंडे दे देने, ये देखें ये लगे हुए हैं, आप इसमें चोंच मिला रहे हैं, मैटिंग हुई हुई है उनकी, इसने बस अंडे देने, अब देखें 1-2 दिन में इंशाल्लाह अगर इसमें अंडे दे देने, फिर मैं शेयर भी करूँगा, अभी नहीं करूँगा, जब बच्चे निकलेंगे तब करूँगा। ये देखें पीछे पीछे एक मादी के पीछे 2-2 नर हैं, देखूँगा अगर 1 हफ्ते तक इन्होंने इस मादी ने अंडे वगैरह ना दिए तो फिर मैं ना ये वाला नर निकाल दूँगा भाई, ये जो क्रस्टेड का है ना, ये मैं नर निकाल दूँगा ताकि वो पेड़ ना एक्टिव लग जाए, दोनों आपस में कोई मसला ना बने। तो आज की वीडियो का टॉपिक सिर्फ यही था, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।